चाय किरण। चाय का क्या करना है? एक महीना रह गया मेरी शादी को और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे कुकिंग सिखा दे, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। तुम्हें फुर्सत मिलेगी शॉपिंग से तो कुछ सीखोगी ना। मैं क्या करूं, मेरी शादी होने वाली है। जितनी भी शॉपिंग करती हूँ रोज लगता है कुछ रह गया है। अभी भी बहुत सामान लेना बाकी है और अम्मा अम्मा तो अभी से थक गई हैं। आप चलेंगे मेरे साथ? नहीं, मैं आज कुछ मसरूफ हूँ। तुम ऐसा करो, उजाला को अपने साथ ले जाओ। वैसे तुम इतने कपड़े बनवा के करोगी क्या? इतने कपड़े तो बना चुकी हो। इतने कपड़े मतलब 101 जोड़ा कोई ज्यादा तो नहीं है? इतने बड़े खानदान में मेरी शादी हो रही है, 100 जगह पर आना जाना होगा, दावतें होंगी और फिर हनीमून पर भी तो जाऊंगी। आपको पता है मुझे ना बड़ा ही शौक है ख्वाब में देखती हूँ मैं अमेरिका, कनाडा, दुबई, मलेशिया, पता नहीं कहाँ कहाँ की सैर कर रही हूँ। पता नहीं वो वक्त कब आएगा। अल्लाह मियाँ तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी करे। आखिर इतने अच्छे घर में जा रही हो तुम। माशाल्लाह भी कह दे, नजर लग जाती है। वैसे किरण तुम कुकिंग सीख के करोगी क्या? इतना अमीर ससुराल है तुम्हारा, कुक तो रखा होगा ना उन्होंने? हाँ कुक तो है, और अगर नहीं होगा तो मैं रखवा दूंगी। फिर भी सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत खाना बनाना तो आना चाहिए ना। वैसे एक बात कहूँ किरण, तुमसे तो बुरा तो नहीं मानोगी तुम? देखो किरण, तुम कभी कभी ना समझी में कुछ अजीब बातें कर जाती हो, और ऐसी लड़कियों का अपने ससुराल में एडजस्ट होना बहुत मुश्किल होता है। क्या मतलब है आपका? देखो किरण, मैं भाभी होने के नाते नहीं, बड़ी बहन होने के नाते तुम्हें समझा रही हूँ। तुम तो जानती हो ना हम कितने मुश्किल हालात से निकलकर यहाँ तक पहुंचे हैं, और अभी भी हमें नहीं मालूम कि हमें यहाँ कब तक रहना है। तुमने प्राइस बॉन्ड से मिलने वाली रकम चंद दिनों में ही उड़ा दी है। मेरी मानो तो बारात का फंक्शन कुछ सादगी से कर लो। ओह, तो आपको ये तकलीफ हो रही है? कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रही कि वो पैसे मैं आपके लिए छोड़कर चली जाऊंगी कि आप उन्हें इस्तेमाल करें? ये बात मैं अपने फायदे के लिए नहीं, तुम्हारे फायदे के लिए ही कर रही हूँ। अब तुम्हारी शादी हो रही है, इसलिए तुम्हें अपने अंदर एहसास जिम्मेदारी लानी चाहिए। मेरे फायदे और नुकसान के बारे में सोचने की आपको कोई जरूरत नहीं। शायद आप भूल रही हैं कि मेरा रिश्ता बहुत ही बड़े खानदान में हुआ है। मेरे सास ससुर उनके पास बहुत पैसा है, और मेरा शौहर उसका तो आपको पता ही है। ये सारी जो आपने सेहतें मुझे दे रही है ना, ये जाकर अपनी बहन को दे, उसे इनकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। बी जान की तरह लग गई मुझे नसीहतें देने।